हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी बुक से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल होते क्या हैं। पॉलिनोमियल क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं और कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो उनको मिक्स करके एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाई जाती है जिसमें x की कुछ पावर्स होती हैं, जिसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। हाँ, वो एक्सपोनेंट्स क्या होती हैं? पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए। दैट हमने क्या कहा, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो क्या कंसिस्ट करता है, सम वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, और इसमें एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल आर पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको हम कुछ एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि पॉलिनोमियल हमारे पास, मैंने कह तो दिया वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, एक्सपोनेंट्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये सब टर्म्स हैं क्या हमारे। जैसे हमने पहले भी पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा हुआ प्रीवियस क्लास में, जैसे 2x क्यूब प्लस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x। अब अगर हम इसकी बात करें, ये हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसमें एक टर्म और ऐड कर रहा हूं प्लस ऑफ 3, लेट अस सपोज। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि ये 2 3 माइनस 2 एंड 3 दीज आर द कॉन्स्टेंट्स, 2 3 माइनस 2 एंड 3 आर कॉन्स्टेंट, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स। एंड यहां पर वेरिएबल क्या हमारे पास, x है, x इज अ वेरिएबल। अब उसके एक्सपोनेंट्स की बात करें तो यहां पर जो एक्सपोनेंट्स है, इसके एक्सपोनेंट 3 है, इस x पर एक्सपोनेंट क्या है 2 है, और इस पर x की पावर क्या है 1 है। तो हम क्या देख रहे हैं, दिस इज 1 2 3, ये सारे क्या है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। सो इसका मतलब कुल मिलाकर ये क्या बन गया, पॉलिनोमियल बन गया। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं, this is 3x cube minus of 4x plus of 1। यहां पर हमारे पास ये 3 आ गया, 3 minus 4 और 1, what are these, these are the constants and this x is a variable and the exponent of this variable x is 3 और इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1। तो ये भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब ये सारे के सारे क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है इस डेफिनेशन का जो हमने यहां पे लिखी है। तो इसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर हम कुछ और एग्जांपल डिस्कस करें, लेट अस सपोज 4x माइनस ऑफ 1 बाय ऑफ x। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये हमारा पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ये कांस्टेंट्स हैं इसके पास, यस इसके पास कांस्टेंट 4 है, इसके पास कांस्टेंट माइनस 1 है, यस कांस्टेंट्स है। पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, दूसरी कंडीशन वेरिएबल है, यस एक्स यहां पर भी, एक्स यहां पर, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तीसरी कंडीशन में देखने कि एक्स की जो पावर है क्या वो पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं। अगर हम यहां पर देखें, दिस कैन आल्सो बी रिटन एज दिस इज 4x माइनस, अब ये 1 अपॉन x है, दिस कैन बी रिटन x पावर माइनस ऑफ 1। अब यहां x की पावर 1 आ रही है, यहां पर x पावर माइनस 1 आ रही है, आप क्या देख रहे हो, 1 तो पॉजिटिव इंटीजर लेकिन माइनस 1 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। सो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल हमारा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई हमारी, जो उसके एक्सपोनेंट है वो इंटीजर होने चाहिए, वो भी पॉजिटिव होने चाहिए, बट माइनस वन इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। मैं एक और एग्जांपल से आपको इसको और क्लियर करना चाहूंगा, दिस इज 2x क्यूब माइनस ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ x प्लस ऑफ 2। तो एक और एग्जांपल हम इस पर लेते हैं। अब हमने फिर से यही चेक करना है कि यस दिस इज अ कांस्टेंट, माइनस 3 इज अ कांस्टेंट, 2 इज अ कांस्टेंट, दीज आर द कांस्टेंट, वेरिएबल आर x, x हमारा वेरिएबल भी है। बट अगर हम x के एक्सपोनेंट को देखो, यहां पर x का एक्सपोनेंट क्या है 3, और यहां पर x अंडर रूट में है, अंडर रूट इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट का मतलब हुआ दिस इज 2x क्यूब माइनस ऑफ 3 x टू पावर 1 बाय 2। हमने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में कि x टू पावर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब इसकी पावर हाफ हो गई प्लस 2। आप क्या देख रहे हो कि ये तो हमारा 3 तो पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन 1 बाई 2 एक फ्रैक्शन नंबर है, इंटीजर नहीं है,
इसका मतलब इसकी जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास इंटीजर नहीं आ रही, सो दिस इज नॉट अ पॉलीनोमियल। तो विद दीज फोर एग्जांपल वी कैन क्लासिफाई बिटवीन द पॉलीनोमियल्स कि द गिवन टर्म्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दीज आर पॉलीनोमियल और नॉट। इस डेफिनेशन की हेल्प से हम एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हैं, दिस इज ए जीरो प्लस ऑफ ए वन एक्स प्लस ऑफ ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन ए एन एक्स पावर एन प्लस एंड सो ऑन। ये हम एक जनरल फॉर्म लिख सकते हैं पॉलिनोमियल का, जहां पर ये हमारे पास ए जीरो ए वन ए टू डैश डैश ए एन एंड सो ऑन, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स। एंड व्हाट इज एक्स, एक्स इज अ variable, variable is x here and you can see the exponents of x are yahan pe 1 hai, yahan 2 hai, yahan 3 hai, yahan par aise badhta hai aur n, so hamari jo general form hogi polynomial ki wo ye form ho jayegi। mera next topic hoga terms and their coefficients, terms and their coefficients। अब एक पॉलीनोमियल के टर्म्स कौन कौन से हो सकती हैं, उसके कॉफिशियंट्स कौन कौन से, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ली थी अभी आपको समझाया मैंने कि ये हमारे पास कोई पॉलीनोमियल है, ये हमारी जनरल फॉर्म है। अब यहाँ पर टर्म्स कौन कौन सी होंगी, अब यहाँ पर हमें पता है कि पॉलीनोमियल्स में जो टर्म्स आती हैं वो कैसे आती हैं, वो सेपरेटेड होती हैं बाई पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस। आप यहाँ देख सकते हैं ये ए जीरो, इसकी एक टर्म हो गई ए वन एक्स, दूसरी टर्म हो गई ए टू एक्स की, ये तीसरी टर्म है a टू पावर a थ्री एक्स क्यूब, ये तीसरी टर्म हो गई, ये हमारी nth टर्म हो गई। तो यहाँ पर ये सारी हमारी टर्म्स हैं, a जीरो टर्म्स आर टर्म्स a जीरो a वन एक्स फिर a टू एक्स स्क्वायर, दीज आर द टर्म्स। एंड इफ वी विल टॉक अबाउट द कोफिशिएंट्स, अब इनके कोफिशिएंट्स की बात करें, जैसे अगर हम x कोफिशिएंट की बात करें कि x कोफिशिएंट क्या है, x कोफिशिएंट है a वन, तो कोफिशिएंट ऑफ x equals to a1, similarly the coefficient of x square this is a2, coefficient of x to power 3 is x to power 3 ko coefficient aap dekho x to power 3 se multiply iska hai a3 ka, iska matlab is tarah se hum coefficient ko find out kar sakte hain। iske liye main ek simple si example aapke sath discuss karna chahunga, this is jaise humne ek example le li 4x cube माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस ऑफ 1। अब यहां पर मेरे को टर्म्स बतानी है, तो यहां पर कौन कौन से टर्म्स होंगे, टर्म्स आर एक पहली टर्म होगी हमारे पास 4x क्यूब होगी, दूसरी टर्म होगी माइनस ऑफ 2x स्क्वायर होगी, वो अपने साइन के साथ आएंगे, जैसे 4 अपने साइन के साथ आया पॉजिटिव साइन के साथ, ये टर्म माइनस 2x स्क्वायर होगी। तो हमारी जो तीसरी टर्म आ गई वो 3x बन गई, जो लास्ट टर्म आ गई हमारी 1 माइनस 1 बन गई, ये सब हमारे डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स आ गई यहां पर। इफ वी विल टॉक अबाउट द कोएफिशिएंट्स, तो यहां पर हमारा जो कोएफिशिएंट आएंगे कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है 4, तो सिमिलरली द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, अब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किसका है माइनस ऑफ 2 का, तो कोएफिशिएंट ऑफ x दिस इज x कोएफिशिएंट यहां पर प्लस ऑफ 3 आ गया, मतलब वी कैन राइट 3, एंड द कांस्टेंट टर्म माइनस वन इज द कॉन्स्टेंट टर्म। बात करेंगे डिग्री ऑफ अ पॉलीनोमियल की, डिग्री ऑफ अ पॉलीनोमियल, तो मैं इसको आपको पहले एग्जांपल के तौर पर समझाऊंगा कि लेट अस सपोज ये हमने एग्जांपल एक अज्यूम कर ली, दिस इज 4x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x क्यूब प्लस ऑफ 2x प्लस ऑफ 1, ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल ले लिया। अब यहाँ पर मैं डिग्री की बात करूंगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी हाईएस्ट पावर कौन सी है, एक्स की हाईएस्ट पावर कौन सी है, एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 है, तो जो 3 आ गई है हमारे पास हाईएस्ट पावर, यही इसकी डिग्री होती है। तो हम सिंपली कह सकते हैं द हाईएस्ट पावर ऑफ या हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री, तो यहाँ पर एक्स पावर 3 आ गई तो इसकी डिग्री 3 हो गई है, तो इस तरह से हम इसकी डिग्री को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम इस नेक्स्ट एक्सपोनेंट की बात करें, इसकी डिग्री हम 3 कहते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सपोनेंट हम लिख रहे हैं, दिस इज 4x माइनस ऑफ 4x क्यूब प्लस ऑफ 4x टू पावर 4 प्लस
वन। तो यहां पर अगर हम बात करें इस पॉलिनोमियल में, तो हम x की पावर यहां वन है, यहां x पावर थ्री है, x पावर फोर है, फोर इज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट, तो यहां पर इसकी डिग्री क्या होगी, फोर होगी। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो रहा है कि हम डिग्री को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, डिग्री होती क्या है सबसे पहले। तो मैंने यही बात कहा कि किसी भी पॉलिनोमियल की जो टर्म है हाईएस्ट डिग्री टर्म की हम एक्सपोनेंट को देखेंगे, और जो उसकी हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगी वही उसकी डिग्री हो जाएगी। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द, अब ये डिग्री थ्री है तो डिग्री थ्री वाले पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, डिग्री फोर वाले पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, तो वी विल स्टार्ट विद द डिग्री वन। तो वन डिग्री वाले पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल को मैंने आपको बताया उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, मतलब हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। अगर हम एक एग्जांपल लें तो हम इसको लिख सकते हैं 4x plus of 2, तो हम क्या देख रहे हैं x की हाईएस्ट पावर वन है यहाँ पर, सो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो वन होगी। तो नेक्स्ट वन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। What is quadratic polynomial? Quadratic it means इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, टू होनी चाहिए। तो टू डिग्री के पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, quadratic polynomial कहते हैं। तो इसके लिए हम example ले सकते हैं, this is 3x square minus of 2x plus of 1। और भी example है हमारे पास, this is x square minus of 1। तो ये क्या है, these are the two degree polynomial। Third one, cubic polynomial। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अब क्यूबिक का मतलब सीधे सीधे हमें पता लग रहा है कि इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री इसकी थ्री होनी चाहिए, सो दिस इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसके लिए भी हम एग्जांपल लिख सकते हैं, दिस इज 4x क्यूब माइनस ऑफ 17 ऑफ x प्लस ऑफ 1। तो यहां पर आप देख रहे हो कि x की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, सो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। मैं और भी एग्जांपल दे सकता हूं, x क्यूब माइनस ऑफ 1, दिस इज आल्सो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब व्हाट अबाउट द 4 डिग्री पॉलिनोमियल, अगर उसकी डिग्री 4 हो तो उसे हम बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब यहां पर मैंने आपको बताया इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। अगर 4 डिग्री आ गई तो उसे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। इसके लिए भी एग्जांपल मैं लिख सकता हूं, x टू पावर 4 प्लस ऑफ 1। ये हमारे पास सबसे सिंपल एग्जांपल आ गए, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। Now, how we can find the value of a polynomial? Value of a polynomial का मतलब क्या हुआ? कि मतलब हमारे पास कोई भी एक polynomial given है और उस polynomial की value हमें find out करनी है किसी एक point पर। जैसे मैं एक example लेता हूँ आपके सामने, 2x square minus of 3x plus of 1। तो ये हमारे पास polynomial है और इस polynomial को हमने fx से denote कर दिया, fx या px हम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा एक polynomial है और हमें कहता है इसकी value find out करो। We have to find the value at x equals to 1 पे। x equals to 1 पे मैं इसकी value को find out करना चाहता हूँ। x equals to 2 पे इसकी value को find out करना चाहता हूँ। x equals to 3 पे मैं इसकी value को find out करना चाहता हूँ। तो इन points पर अगर हम value find out करेंगे, तो हम x के place में 1 put कर देंगे। मैंने क्या किया? पहले x के place में 1 put कर दूँगा मैं यहाँ पर। जहाँ जहाँ x लिखा है, वहाँ वहाँ 1 put कर दूँगा। So this is 2 1 square minus of 3 into of 1 plus 1. This is 2 minus 3 plus 1. और इसको simplify करने पर answer 0 आ गया। मैं 2 put कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अब x equals to 2 पर हम इसकी value find out करनी है। तो x के लिए 2 put करेंगे। इसको simplify करेंगे। This will be 3 and f3 मतलब अब हम x के लिए 3 put करेंगे यहाँ पर जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है। तो इसको solve करने के लिए हमारे पास आ गया 3 3 9, 9 2 18 minus 9 plus of 1 this is 10। आप क्या देख रहे हो, हमें जब जब x की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट की, उन डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे हमारे पास इस पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यू, एक बार 0 आ रही, एक बार 3 आ रही, एक बार 10 आ रही। तो जिस पॉइंट पर हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है, दिस पॉइंट x = 1 इज इट्स 0। ये क्या हो गया,
x equals to 1 इसका क्या होगा, is zeros of the polynomial, और हम इसको इसका रूट भी कह सकते हैं। x equals to 1 मतलब जिस वैल्यू पर, x की जिस वैल्यू पर हमारा ये पॉलिनोमियल की वैल्यू, ये जो ऊपर पॉलिनोमियल गिवन है उसकी वैल्यू सॉल्व करने पे जीरो आ जाती है, वो पॉइंट x equals to 1 इसका जीरोस हो जाता है या एक रूट हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम ये शो करना है कि x की वैल्यू 1 जो है, दिस इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, मतलब अगर हम x की वैल्यू 1 इस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, जीरो मिलना चाहिए। अगर जीरो आ गया तो हमारा प्रूव हो जाता है x इसका रूट है। तो हम स्टार्ट करते हैं, एफ एक्स हमें गिवन है, दिस इज 2x³ - 3x² - 7x - 6। हमें क्या करना है, x की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे हम हर जगह, अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। आप देख रहे हो कि 2 और 7 प्लस में है, 2 और 7 ऐड हो गए 9 आ गया, और ये दोनों माइनस में गए हैं, -3 - -6 ये दोनों भी ऐड हो गए, ना टोटल आंसर इज 0। आप क्या देख रहे हो कि f1 की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अभी हमने डिस्कस किया था कि एट विच पॉइंट हमें उस पॉलिनोमियल वैल्यू 0 मिल जाती है, तो हम कहते हैं यस दिस इज द जीरोस, दिस इज द रूट ऑफ, इट मींस यस x equals to 1 इज अ रूट ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इट्स अ वेरी सिंपल टास्क, मतलब हमें जिस भी वैल्यू को दिया हुआ है उस x की वैल्यू को हमें उस पॉलिनोमियल में पुट करना होता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। अगर वो वैल्यू 0 आ जाती है तो वो उसका एक रूट बन जाता है। माय नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये मैंने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं यहां पर, अब इनका हमें जीरोस फाइंड आउट करना है। ये हमें पहले से पॉलिनोमियल गिवन है, तो 5 एग्जांपल आई हैव टेकन हियर कि इनके जीरोस को फाइंड आउट करना है, इनके रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट को ले रहा हूं, तो यहां पर x - 5 हमें दिया हुआ है कि ये हमारा पॉलिनोमियल है एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके जीरोस फाइंड आउट करना है। जीरोस फाइंड आउट करना है इसका मतलब अगर हमारे पास कुछ x की वैल्यू ऐसी होगी, हम यहां पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो सीधे आपने क्या करना है, गिवन पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर देना है। एंड नाउ अब यहां से By transposition you have to find the value of x, transpose करना है और x की value को find out करना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर simply what we have to do, हम इस 5 को तो transpose करेंगे, तो x के लिए 5 आ रहा है, इसका मतलब x equals to 5, this is the zeros of this polynomial, ये इसका एक root हो गया। तो similarly second question में भी हमने ऐसे करना है, 2x + 5 = 0, तो मेरा काम क्या होगा, फिर से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना, मैंने फिर से इस गिवन पॉलिनोमियल के 0 के इक्वल कर दिया। अब यहां से x की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहता हूं मैं, तो सबसे पहले ये सब 5 को मैं उधर ट्रांसपोज करूंगा, माइनस ऑफ 5 हो गया। नाउ अब इस 2 को उधर ट्रांसपोज करूंगा तो -5/2, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -5/2 आ गई। ये है हमारा जीरोस, ये है हमारा रूट फॉर द नेक्स्ट पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड, cx + d = 0, फिर से मैंने 0 को इक्वल कर दिया, अब फिर से मेरा काम क्या है, x जहां भी, यहां पर c और d क्या है हमारे, c और d कांस्टेंट्स हैं, जैसे यहां पर 2 और 5 कांस्टेंट है वैसे यहां c और d कांस्टेंट है, मैंने फिर से cx को इंग्रेडिएंट देना और d को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, माइनस ऑफ d आ गया, अब x के लिए हमारी निकल जाएगी -d/c, क्योंकि c इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा, ट्रांसपोज होगा तो ये डेफिनेटली डिवाइड में ही जाएगा। नेक्स्ट दिस इज 2x, अब only 2x दिया, this is 2x को हम equals to 0 लिखेंगे, 0 को equal करेंगे, 2 को उधर divide करूंगा मैं, 0/2, 0/2 we know that this is 0, and the last one is ax, अब ax equals to 0, अब ax equals to 0, यहाँ पर हमें definitely पहले से ले लिया हुआ है कि a के लिए 0 नहीं होनी चाहिए, a 0 नहीं होगा, this implies that x की वैल्यू x equals to 0/a, क्योंकि a इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में चल जाएगा, 0/a क्या बन गया, 0 बन गया। तो फ्रॉम दिस एग्जांपल इट इज क्लियर दैट हाउ वी कैन फाइंड द जीरोस और द रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इन नेक्स्ट एग्जांपल द हियर 4 पॉलिनोमियल्स आई हैव टेकन एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास कुछ x की वैल्यू गिवन है और हमें चेक करना है वेदर
द इंडिकेटेड नंबर्स आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल और रॉड, मतलब ये जो x की वैल्यू गिवन है इस पर हमें ये जीरो आएगा कि नहीं आएगा, मतलब ये इसके जीरोस हैं या नहीं है, ये दो वैल्यूज इसकी गिवन है ये दोनों इसके जीरोस हैं या नहीं, तो हमें ये चेक करना है। तो हाउ टू चेक, तो सेम बराबर वही प्रोसीजर होगा जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में किया। तो पहले क्वेश्चन को हम लेते हैं, दिस इज 3x + 1, मतलब x की वैल्यू यहां पर हमें दी हुई है, x की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, x की वैल्यू -1/3 दी है, तो हम यहां पर x की वैल्यू -1/3 पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ x, -1/3 पुट की प्लस 1, अब यहां पर -1/3 हमने पुट कर दिया, ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस इज -1 + 1, 3 3 कैंसिल आउट, -1 बच गया + 1 बच गया, टोटल आंसर 0 आ गया। तो हमने क्या देखा कि हमने जैसे ही x के लो -1/3 पुट की वो आंसर 0 आ गया, तो हम कहेंगे यस यस ये इसका एक 0 है, x -1/3 इसका एक 0s है। सेकंड पार्ट भी इसी तरह हम करते हैं सॉल्व, x के लो -1, अब हमारे पास सबसे पहले x के लो 1 दी हुई है, तो हम add x = 1 पर बात करें, अगर हम 1 तो 1 पुट करते हैं, 1 स्क्वायर माइनस 1, दिस इज 1 स्क्वायर इज 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 करें सॉल्व 0 आ रहा है। तो हमने क्या देखा, 1 स्क्वायर पुट किया, 1 पुट की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 आ गया, यस इट इज आल्सो अ 0, तो हम कह सकते हैं कि x = 1 इसका एक 0s है। अब मेरे पास x की दूसरी वैल्यू भी गिवन है माइनस 1, अब माइनस 1 पर मैं चेक करूंगा, तो x की प्लेस में मैंने फिर से माइनस 1 पुट कर दिया, अब यहां पे माइनस 1 का स्क्वायर फिर से प्लस 1 हो गया, माइनस 1 इक्वल टू फिर से 0 आ गया। तो हमने क्या देखा, यस ये भी इसका 0, मतलब x के लो 1 और x के लो माइनस 1 दोनों इसके 0s हैं, क्योंकि दोनों को पुट करने पर हमारे x की वैल्यू क्या आ रही है, हमारे फाइनल पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। नाउ द नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, अब हमारे पास थर्ड एग्जांपल गिवन है lx + m, और हमारे पास x की वैल्यू क्या गिवन है, x की वैल्यू में गिवन है माइनस एम अपॉन एल। अब मैं क्या करूंगा, अब x के प्लेस में ये वैल्यू हम यहां पुट करेंगे, दिस इज l, x के प्लेस में माइनस एम अपॉन एल प्लस ऑफ m, इसको आगे सिंपलीफाई करते हैं, दिस l विल कैंसिल आउट, 1 आ गया, 1 को मल्टीप्लाई करके माइनस ऑफ m से माइनस m आ गया प्लस ऑफ m, माइनस m प्लस m 0 आ गया, तो फिर से ये 0 आ रहा है, इसका मतलब यस इस केस में ये भी इसका एक 0s है। द नेक्स्ट द फोर्थ एग्जांपल व्हिच आई हैव टेकन इट हैविंग आल्सो टू पार्ट्स, तो इन दोनों पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो फोर्थ पार्ट को आप देखेंगे, दिस इज पॉलीनोमियल इज गिवन 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2, अब हमें किस पर बात करनी है, सबसे पहले पॉइंट पे x = 2/√3 पर बात करनी है। तो ऐसा नहीं है रूट को देख के आपने घबराना है, कुछ रूट वाले क्वेश्चन भी सिंपली ऐसे ही सॉल्व होने हैं, आपने फिर से यहां पर x के प्लेस में इन प्लेस ऑफ x वी कैन राइट 2/√3 स्क्वायर माइनस ऑफ 2, सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको, दिस इक्वल्स टू 3 तो ऐसे ही रह गया, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, हमने पहले भी कर चुके हैं टॉपिक इस तरह से, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या 4 बच गया, 4 माइनस 2 2 आ गया, और ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा, यहां पर सॉल्व करने पर फाइनल आंसर हमारा 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं नो ये इसका एक 0s नहीं है। x = -2/√3 पर मैं चेक कर रहा हूं, सेम प्रोसीजर होगा हमारा, फिर से हमने वही वैल्यू पुट कर दी है √3/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2, अब यहां पर माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाता है हमें पता है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, माइनस ऑफ 3 से 3 फिर कैंसिल हो गया, 4 बच गया, 4 माइनस 2 हमारे पास फिर से आंसर 2 आ रहा है, और क्या देख रहे हैं ये 0 नहीं है, इसका मतलब x की जो दो वैल्यूज यहां पर गिवन है 2/√3 और -2/√3 दोनों ही हमारे 0s नहीं है, बिकॉज हमें दोनों पर ही आंसर 0 नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो, आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, एंड नाउ यू विल ट्राई योर एक्सरसाइज 2.1 एज वेल एज एक्सरसाइज 2.0, बट अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने लाइक करना नहीं भूलना है, इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलना है, उनको भी बताना है, आप भी इस चीज़ का बेनिफिट उठाओ और घर बैठ के इसको आप अप्लाई करो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू।